Boing. Bingo Comedy Adda. Hello, good evening, namaste, and very warm welcome to Bingo Comedy Adda. स्वागत है आपका कॉमेडी से भरे एक अनोखे शो बिंगो कॉमेडी अड्डा में। यहाँ हर रविवार होंगे कई अनोखे सेलेब्स, जिनसे करेंगे हम कुछ टेढ़ी मेढ़ी बातें। बीवी की वाइंस बोलते हैं तो मैं चढ़ जाता हूँ। क्यों? अम्बानी को देख के बोला अरे रिलायंस। खूब होगी मस्ती, खूब होंगे प्रैंक्स। इनका तो हो गया बॉइंग। मुझे पता था ये रेडियो पे भी काटते हैं, यहाँ पे भी काटते हैं। और देंगे हम आपको कॉमेडी का ओवरडोज। कैसी चल रही है सर शादी? जैसी आपकी। शुरू करते हैं बिंगो कॉमेडी अड्डा। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है कॉमेडी अड्डा में आज की शाम के गेस्ट को इनवाइट करने का। सो प्लीज वेलकम वेरी डैशिंग, वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर्स, जिनकी जोड़ी ने परमानेंट रूममेट्स को बना दिया लोगों की फेवरेट सीरीज। सो प्लीज वेलकम निधि सिंह एंड सुमित व्यास। वेलकम टू कॉमेडी अड्डा सुमित एंड निधि। थैंक यू। सुमित, आज तक आपने बहुत सीधा सीधा काम किया है, इन्होंने बहुत सीधा काम किया है, लेकिन आज कुछ सीधा नहीं होगा। आपसे करे जाएंगे यहाँ पे टेढ़े सवाल। नहीं, वो मैं आपको देखते समझ गया था। समझ गया था आप? निधि, आप सुमित मुझसे डील करते हैं, टेढ़े लोगों से डील करने की उनकी आदत है। चलिए शुरू करते हैं टेढ़े सवाल। आइए पधारिए। सुमित, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूँ। बचपन में मैंने सुना है कि आप पायलट बनना चाहते थे, ठीक है, लेकिन 8th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में आप फेल भी हुए थे। हाँ। तो फेल होके आप ये वो मतलब पेपर वाला जहाज उड़ाना चाह रहे थे, कैसे पायलट बनना चाह रहे थे आप? नहीं, जब मेरा फेल होने का मेरा करियर जब स्टार्ट हुआ, हाँ, 8वीं 9वीं 10वीं में पास हुआ, फिर 11वीं में फिर फेल हुआ, फिर 12वीं में जब मैं फेल हुआ तो फिर मैंने गिव अप कर दिया उस करियर पे। मैंने कहा ये तो ना हो रहा मुझसे। लेकिन आपके फेल होने के सिलसिले को देख के आपके पिताजी ने ये तो कह दिया होगा कि आपने बिल्कुल सही करियर चुना है, एक्टिंग ही करो तुम। ये वो उन्होंने असल में जब 8वीं 9वीं में ऐसे लगातार 2-3 साल जब मैं फेल हुआ तो उन्होंने कहा कि कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना है बेटा। हाँ। अगर नहीं बैठ रहा है तो छोड़ दो। अच्छा। कुछ जो बनता है वो करो, जैसे तू कार के फोटो वोटो लगाते तू ऐसा कर, जहाँ ये गाड़ी मेरी सर्विस होने जाती है वहाँ गैराज में तू लग जा। पहले 1-2 साल मार वार खाएगा, उसके बाद हाथ साफ हो जाएगा, फिर अपन तेरा अलग से एक भागड़ा लगा देंगे, फिर तू देख आगे चल के तो दिलीप छाबड़िया भी बन सकता है, कुछ भी हो सकता है। रिवर्स साइकोलॉजी। हाँ, एक्चुअली। अच्छा, आप राजस्थान से मुंबई आए, जी, है ना? इतना बड़ा शहर और क्या क्या सोच के आएंगे, तो क्या फर्क लगा आपको यहाँ मुंबई आके राजस्थान और यहाँ मुंबई में? असल में मैं 4 साल का था तब आ गया था बॉम्बे। अच्छा। तो राजस्थान में मैं रहता था अपनी नानी के यहाँ। अच्छा। तो उनका बड़ा सा घर था राजस्थान में, जैसे होते हैं काफी बड़े हवेली जैसा था। फिर मैं जब यहाँ आया तो हम भाईंदर में रहते थे उस समय। अच्छा। तो भाईंदर में एक लंबी सी बिल्डिंग थी, वहाँ पे जिस दिन मैं घुसा तो 4th माले पे एक फ्लैट में मेरे पिताजी रहते थे, 1 रूम का फ्लैट था। अच्छा। लेकिन जब मैं चढ़ रहा था तो मुझे बहुत सारे दरवाजे दिखे। अच्छा। तो मैंने कहा मेरे पिताजी का बढ़िया चल रहा है काम यहाँ पे बॉम्बे में। बहुत कमरे इनके घर में, बहुत बड़ा घर बना है, मतलब वो सारा अपने लग रहा था। हाँ, फिर जब मैं घुसा उस घर में, हाँ, और जाहिर है घुसते ही खत्म हो गया वो, क्योंकि अच्छा। एक ही कमरे में एक स्लैब था, वही किचन, उसी में सोना है, उतना ही था वो। हाँ। तो फिर मैंने मम्मी से कहा कि जब बाकी वाले कमरे उनमें कब जाएंगे हम? उनका बेटा बाकी अपने नहीं है, यही है अपना। निधि, आपके फादर इंडियन रेलवे में डॉक्टर हैं, थे, वो काम करते थे। मुझे बिल्कुल सही बात बताइए, जब आप ट्रैवल करती हैं ट्रेन में, आप स्टाफ चलाती हैं या कभी टिकट भी लिया है? बट एक बात बताऊं, जब मैंने पहली बार बॉम्बे आकर ऐसे रैंडम कॉन्वर्सेशन में मैंने बोला था कि मेरे पापा डॉक्टर हैं, फिर थोड़ी देर मैंने बोला वो रेलवेज में डॉक्टर हैं, तो अच्छा। लोगों को समझ नहीं आता है कि रेलवेज में डॉक्टर कैसे? कैसे? तो एक मेरी जो शी इज माय बेस्ट फ्रेंड, तो उसने बहुत इनोसेंटली पूछा था, तो वो क्या ट्रेन में सर्जरीज करते हैं अगर किसी को कुछ हो जाए? तो यूजुअली पीपल डोंट अंडरस्टैंड, बट रेलवेज के हॉस्पिटल्स होते हैं। तो मेरे पापा वहाँ पे डॉक्टर थे, और यही होता था कि गर्मियों की छुट्टी जैसी होने वाली होती थी तो यूजुअली फोन कॉल ज्यादा आने लगते थे कि
सुन ना, तो तेरे पापा रेलवेज में है ना, तो एक क्वेश्चन था कि हमारी टिकट कंफर्म हो जाएगी क्या? That was like a regular thing for us. So, अब मुझे थोड़ा कमीशन उस पर अर्न करना भी चाहिए था, अब तो पापा रिटायर हो गए. निधि एक बात बताइए, टेलर जब कपड़े पे कैंची चलाता है ना तो दुख होता है ना, दुख होता है, और एडिटर जब रोल पे कैंची चलाता है तो और ज्यादा दुख होता है ना? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप अंदर ही अंदर कोई दुख लेके बैठी हुई हैं. वेल, बहुत बहुत पहले जब परमानेंट रूम में कुछ नहीं हुआ था, मुझे सिलेक्ट किया गया था बर्फी में एक छोटे से पार्ट के लिए, एंड अनुराग बासु सर वांटेड मी टू बी इन फ्रेम, तो मैं तो पहुंच गई. अच्छा, चाहे जो मुझे पेड़ भी बना देंगे ना पीछे, मैं खड़ी हो जाऊंगी, मैं जा रही हूँ. और उन्होंने आई स्पेंट अ वेरी लवली डे ऑन सेट, और उन्होंने खूब अच्छे से प्यार से खिलाया वगैरह एंड ऑल दैट. मुझे बस एक क्रॉसिंग देना था, और मैंने ऑब्वियसली अपनी पूरी फैमिली को फोन घुमा के बता दिया कि आज मैंने अनुराग बासु के साथ शूट किया है, बर्फी नाम की एक पिक्चर आएगी, लुक आउट फॉर मी, पापा देखो मैंने जो प्रॉमिस किया था वो हो गया. फिर बर्फी आई और मेरी फैमिली फर्स्ट डे फर्स्ट हो गई, और फिर फोन आया, तुम कहाँ थी? तुम तो दिखी नहीं. उसके बाद फिर मैं कुछ दिन कोप भवन में चली गई एक महीने के लिए. अजय, आपकी जो जोड़ी थी ना, आपकी केमिस्ट्री देख के अब पूरी दुनिया को ये पता चल गया है कि आप हस्बैंड वाइफ है ना. परमानेंट रूममेट्स देखने के बाद मुझे भी लगा था कि यार प्यार हो तो ऐसा हो. मुझे एक बात बताइए सुमित, ऐसा कभी हुआ है कि आप अपनी एक्चुअल वाइफ के साथ कहीं गए हों और कोई आपको मिला और कहा हो कि शर्म नहीं आती अपनी वो वाइफ निधि को छोड़ के इसके साथ घूम रहे हो? हुआ कभी? हुआ है, हुआ है, हुआ है. तो क्या समझाया आपने उनको प्यार से? नहीं, उस आदमी को नहीं समझाया, बीवी को समझाया बाद में. और निधि आपके साथ हुआ है कभी कि हस्बैंड कहाँ है, ये किसके साथ घूम रहे हो आप? नहीं, मुझसे ऐसे रैंडमली से जाते भाभी और मिकी भैया ठीक है, मैं बोल भी देती हूँ कि हाँ बहुत अच्छे हैं. अच्छा, एक चीज मुझे आपसे पूछनी है सुमित, आपकी सिस्टर हैं श्रुति जी, है ना, कमाल की एक्टिंग करती हैं और उनका मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ. कभी ऐसा हुआ है दोनों बहन भाई में लड़ाई हो, तो ज्यादा अच्छे एक्टिंग नहीं करता, मैं ज्यादा अच्छा करता हूँ, कभी ऐसी लड़ाई हुई है आपकी? नहीं, ऐसी वाली लड़ाई तो नहीं हुई. हाँ. क्योंकि एक्चुअली वो ज्यादा अच्छा करती है एक्टिंग. अच्छा. हाँ, वो बचपन में भी जब मम्मी कभी मारने वारने आती थी तो मैं पूरा पिटने के बाद रोता था, वो पिटने से पहले ही रोती थी. मम्मी मारने तो मारने वाला भी डर जाए मारने से पहले, अरे पहले भी नहीं किया होता. हाँ. उसके लिए मैंने बड़ी लड़ाई की है. मैं रहा हूँ छठी सातवीं में, वो थी तीसरी चौथी में, और किसी ने उसको वैलेंटाइन डे पे कोई गुलाब या कुछ ऐसे चिट्ठी लिख के भेज दी, दे दिया किसी बच्चे ने. हाँ. तो वो डर गई. अच्छा. तो उसने आके मुझे बताया कि मुझे चिट्ठी आई है. हाँ. तो मैंने मेरे दो तीन दोस्तों से मिलाया, मैंने बोला पता करो किसने भेजा है. तो बोला कि कोई फोर्थ बी में कोई चंदन है, उसने भेजा है. चल चंदन को मारते हैं आज, मेरी बहन को इसने चिट्ठी दी है. फोर्थ बी में गए, वहां पे सब बच्चे पार्टी कर रहे हैं वैलेंटाइन डे पे, बोला ए चंदन कौन है इधर? हाँ. चंदन आया. आ, चंदन आया, फाट 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 चंदन को मैंने मारा, मेरे दोस्तों ने भी मारा, और मार रहे उतने में एक दूसरा दोस्त भाग गया, अरे भाई वो फोर्थ ए में आ, ये दूसरा चंदन है. तो अभी उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, बोला चंदन संभल के रहे यहाँ तू, ये कभी भी हो सकता है तेरे साथ, जा अभी. फिर जाके दूसरे चंदन को मारा, दूसरा वाला चंदन पिट गया जो सही पिटना था. अरे वाह, मतलब भाई का पूरा फर्ज निभा दिया आपने. अच्छा, ये चंदन से ये मुझे याद आया, सिर्फ चंदन ही नहीं, आपने आपने हिला तो कईयों को दिया है. स्कूल में मैंने सुना है कि आपने प्रिंसिपल के ऑफिस में वो बम, जरा बताइए ना कुछ एक्सपीरियंस उसके बारे में. असल में क्या था, वो हम मेरे पिताजी को बुला लिया था उन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल ने. अच्छा. इससे पहले माँ को बुलाते थे या खुद ही मारते थे मुझे, तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं थी. लेकिन जिस दिन पिताजी को बुलाया उस दिन बड़ा बड़ा कांड हो गया, काफी बेइज्जती हो गई मेरी घर में. तो मैंने कहा कि इसका तो बदला बनता है. ओ. तो फिर मैंने जो है वो दिवाली के जो सुतली बम होते हैं वो लिया, उनका ना केबिन था कांच का. अच्छा. तो वो जब पीटी पीरियड में सारे नीचे गए हुए थे बच्चे खेलने, तो मैं सुतली बम लाया और एक अगरबत्ती लाया जी, उसको उससे जोड़ा, और वो एक कोई उनका कबर्ड था जिसमें सारे पेपर थे. आई डोंट नो, शायद वो अकाउंट के पेपर थे या आंसर पेपर थे, पर कोई इंपॉर्टेंट पेपर थे उसमें मैंने लगा के छोड़ दिया, नीचे पीटी कर रहा हूँ. एक 10-15 मिनट के बाद बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जितना मैंने सोचा था उससे कहीं बड़ा. उससे बड़ा.
भचाड़ो कांच वाच पूरा फूट गया। तो पहले सब जमीन पे लेट गए ग्राउंड पे कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है ऐसा करके। फिर बगल में पुलिस थाने से वो सब भी आए, पुलिस वाले भी आए देखने के क्या क्या बॉम्ब ब्लास्ट हुआ क्या हुआ, मतलब ये फटाका जला है आपके इधर किसी ने। लेकिन अगर कोई देख रहा है तो ये देख के प्लीज ये डोंट रिपीट दिस स्टंट। और सुमित नितिन एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखेंगे आप, मैंने बॉइंग किया है किसी को, बॉइंग प्रैंक किया है मैंने किसी के साथ, है ना? Oh, जब तक वो देखें आप, है ना, थोड़ा स्नैक्स हो जाएं, yeah. yes, बिंगो, मैड आइडिया। क्यों पड़ गया हैरत में? अभी तो और ज्यादा मजा आएगा। और मैं क्या करने वाला हूं वो आज मैं अकेला नहीं करूंगा, क्योंकि किसी को करना है बॉइंग तो मेरे साथ मेरी पूरी टीम होगी ऑनलाइन। मिलवाता हूं उनसे। हेलो, क्या हाल चाल? अच्छा मैं सबको बता दूं, अमित कुमार नाम का एक लड़का है जिसने किसी कंपनी में अप्लाई किया है, उसका एक इंटरव्यू हो चुका है और वो इंतजार कर रहा है, उसका जूम कॉल है, उसका ऑनलाइन मीटिंग है एचआर के लोगों से। अमित कुमार को इनविटेशन भेजूं? यस सर। ओके, यहां से लेते हैं मजे। अमित हाय। हाय सर। आपने फर्स्ट राउंड तो क्लियर कर लिया है, सो दिस इज योर सेकेंड राउंड। थैंक यू सर। तो अमित, मैं सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि आपने अपने रिज्यूमे में मेंशन किया था कि आप हार्डवर्किंग हो। यस सर। एक कंपनी को आप कितने घंटे दे सकते हो काम करने के लिए? मैं ओवरटाइम पूरा कर सकता हूँ सर। और उसके अलावा क्या कर सकते हैं आप? कंपनी के ग्रोथ में पूरा अपना योगदान दे सकता हूँ। नहीं, लेकिन अभी आपने मुझे बताया था कि आप ओवरटाइम नहीं कर सकते, आप शुरू में कह रहे थे ना। आपसे ही बात हुई मेरी? नहीं, आपकी एक्चुअली मुझसे बात हुई थी। नहीं, आपकी मुझसे बात हुई है। कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ अमित, हमारी दूसरी भी ब्रांचेज है तो वहां पे आपको ट्रेवलिंग करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कौन बात कर रहा है। मैं बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? ओ, आप बात कर रहे हो? नहीं, वो बात कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ। नवनीत जी बात कर रहे हैं क्या? मैं तो अभी बोला ही नहीं हूँ कुछ। तो फिर कौन बात कर रहा है? रविकांत जी बात कर रहे हैं क्या? एक्चुअली मुझे है ना समझ में नहीं आ रहा है कौन बात कर रहा है। गाइस आप कैरी ऑन रखिए, मैं निकलता हूँ अगली मीटिंग के लिए। तो अमित, हम आपसे पूछना चाहते हैं क्योंकि कंपनी के कुछ टारगेट्स होते हैं, तो आपको लगता है उन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे आप? जी हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे थोड़ा जरूरी काम है, सो आई लीव फॉर नाउ। थैंक यू, मैं चलता हूँ, आप लोग कंटिन्यू रखिए। मैं कुछ पूछ सकता हूँ कंपनी के बारे में? हाँ पूछिए ना, हम तो सब चाहते हैं कि आप पूछें, जितना हो सकता है पूछें। कोई सवाल है आपका? और अब मुझसे रहा भी नहीं जाता है। ए अमित कुमार, रुको रुको, अमित अमित, जॉब तो आपकी हो जाएगी लेकिन जो काम मुझे करना था वो मैंने कर दिया। बॉइंग। अरे मेरे भाई नवेद, नवेद बिंगो कॉमेडी अड्डा पे ये हुआ असली बॉइंग। एंड गुड लक, ऑल द बेस्ट, तुम्हारी जॉब हो जाएगी। बहुत अच्छा बॉइंग किया आपने इनका। अब जिस इंसान को मैं बुला रहा हूं ना, जो परफॉर्म करेंगे यहाँ आगे, वो सीओ गॉट टैलेंट के विनर हैं, है ना? सो प्लीज वेलकम अतुल खत्री। नावेद, बिग फैन ऑफ योर, बहुत मैं आपका बड़ा फैन हूँ, आपका आपकी आवाज का बहुत बड़ा फैन हूँ, फर्स्ट टाइम आपकी शक्ल देख रहा हूँ एक्चुअली। अरे थैंक यू, वो शक्ल देखने के बाद फैन रहिएगा। आपका आवाज बेटर है आपकी शक्ल से।
लेट मी ऑल्सो इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. मैं अतुल खत्री, मैं 53 ईयर्स का हूँ और यहाँ हूँ मैं 53, लेकिन लग रहा हूँ 70 साल का बुढ़ा. और ये जो सफ़ेद बाल है ना, मेलन की कमी से नहीं है, ये बढ़ते हुए खर्चों की वजह से. अच्छा. जब भी मेरी बेटी एक खर्चा करती है, एक सफ़ेद बाल निकलते हैं. आई एम नॉट जोकिंग. हर सुबह हम 8, 8:30 बजे मैं और मेरी बीवी अपने बेडरूम में एक ATM काउंटर खोलते हैं और हर 2-2 मिनट एक बेटी एंटर करती है, पैसा विड्रॉ करके बाहर निकल जाती है. और मैंने देखा है कि अगर मेरी एक बेटी ने अगर अपना यू नो लिमिट ओवरड्रॉ कर दिया है तो दूसरे से पैसे लेते हैं उधार में, यू नो. अच्छा. हाँ, उस दिन मैंने अपनी बड़ी बेटी को देखा कि मेरे यंगर बेटी को एक 500 रुपए का नोट 600 रुपए में बेच रही थी. और मैं सिंधी हूँ और बहुत खुश हुआ, बहुत गर्व हुआ, क्या यू नो ऐसा हो रहा है. थोड़ा अपसेट भी था क्योंकि मतलब यार मेरी छोटी बेटी को लगा बेटा 5, 5.5 रुपए मैं ही तुझे बेच देता, उससे 600 रुपए लेने की क्या जरूरत है. बट एक्चुअली आज मेरी बीवी बहुत अपसेट थी नावेद भाई, बहुत अपसेट थी यू नो, बिकॉज मुझे यहाँ आना पड़ा. और एक्चुअली उसकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी की यू नो शादी की फंक्शन चले और आज संगीत है यू नो. अच्छा. एंड मैं एक्चुअली बिंगो कॉमेडी अड्डा और स्टार प्लस से तहो दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, बिकॉज आई हेट संगीत फंक्शन. काफी सालों से ये संगीत फंक्शन यू नो बन गया है एकदम, एक गौर से सुनिए, एक प्लेटफॉर्म यू नो. अच्छा. जहाँ दोनों तरफ दूल्हा दुल्हन की फैमिलियाँ, सब आदमी अनफुलफिल्ड बॉलीवुड ख्वाहिशें और इच्छाएं फुलफिल करना चाहते हैं कैद ऑडियंस के सामने, यू नो. ऐसा उनका है कि हमने फंक्शन के लिए पैसा दिया, आप चुपचाप बैठ के एंजॉय कीजिए. एक्चुअली एक मैं गया था एक फंक्शन पे, एक दादी जी 80 साल की आई थिंक दूल्हे की दादी जी थी, यू नो नाच रही थी उलाला 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 मैं हूं तेरी फैंटेसी. अरे डीजे एक मिनट रुकिए रुकिए, दादी जी इधर आइए आइए आइए, किसकी फैंटेसी हो आप इस उम्र में. और ऑलवेज कॉम्पिटिशन होता है. तो वो दूसरे साल से दुल्हन की ऐसी 90 साल की नानी थी, रेड साड़ी पहन के नाच रही थी, यू हमें छमक छलो प्रभु मुझे ऊपर ले लो. यूजली हर फंक्शन में कि ना एक बुआ जी आ जाते हैं यार, अब हम आपको बताएंगे दूल्हा दुल्हन कैसे मिले थे. अरे नहीं जानना हमें यार, थोड़ा इंटरेस्टिंग करो कि अभी हम बताएंगे आपको कि दुल्हन के पिताजी ने कितना खर्चा किया. आइए आइए अंकल, PPT शुरू कीजिए, एक्सेल शीट दिखाइए. और मैं यार इतना लंबा चलता रहता है फंक्शन, कितना लंबा चलता है. मैं लास्ट टाइम गया था फंक्शन पे 1:30 बजे तक खाना नहीं लगाया था उन्होंने. अच्छा. तो मैं जाके मैंने बोला यार बुफे चालू करिए, कल काम पे जाना है. बोलते भाई बुआ जी डांस कर, चुपचाप जाके बैठिए आप. तो मेरे फ्रेंड्स मुझे तो इतना प्रॉब्लम, तो घर से क्यों नहीं खाके जाता. ऐसे भैया मैं सिंधी हूँ यू नो, जब हमको कार्ड का इनविटेशन आता है ना, हम 3 दिन अपना गैस सिलेंडर कंपनी को वापस दे देते हैं. क्या 3 दिन ब्रेकफास्ट लंच डिनर इधर ही खाना है हमको. थैंक यू फ्रेंड्स, अतुल खत्री बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू 4 ऑफ यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू. मजा आ रहा है दोनों को? बहुत मजा आ रहा है, अभी मजा दुगना होगा. और आपसे मुझे मस्ती करवानी, मतलब एक परफॉर्मेंस मैं आपकी देखना चाहता हूँ. अच्छा. है ना, आइए. ओके. तो जो आपके सामने स्क्रीन है ना, इस पे एक सीन दिखेगा आपको. अच्छा. हमने उसको म्यूट कर दिया, उसमें आवाज नहीं है. अब मैं चाहता हूं उस सीन को देखकर आप अपने तरीके से परफॉर्म करें. ओके. तैयार? तैयार. चलिए जी शुरू करिए सीन. अरे वाह मनोज, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी. मैंने आज शादी में 5,100 रुपए का शगुन दे दिया है. अरे रुको, मैं मुझे अभी पता चला है कि वहां की प्लेट सिर्फ 501 रुपए की थी. देखो, अब... नहीं नहीं, अरे अरे अब खर्चा... मैं अभी अपना शगुन वापस लेने जा रही हूँ मनोज. मेरी बात सुनो, खर्चा तो अब हो गया है, ठीक है. अब तुम वहां पर जाके एक थैली में खाना और लेकर आओगी, शगुन वापस लोगी तो और बेइज्जती होगी ना. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरे उसूलों के खिलाफ है. बैठो 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 बैठो, फिसलो मत. देखो अब जब तुमने बेड़ा घर कर ही दिया है और पैसे ज्यादा खर्च कर ही दिए, तो मैं तुम्हारा बदला लूंगा. कैसे, क्या करोगे तुम? मैं 5 प्लेट पनीर भुर्जी वहां ऑलरेडी खा चुका हूँ. हाँ, मैंने वहां पर गोलगप्पे भी खाए हैं. गोलगप्पे मैंने खाए हैं. मेरे बिना तुमने गोलगप्पे खाए? मुझे खाने पड़े. मनोज सच बताओ, क्या तुमने जलेबी भी खाई? जलेबी भी खाई.
तो आज तुमने गोलगप्पे और जलेबी मेरे बिना खाए। बस अब मैं अपने दूसरे सेट पे जा रही हूँ। मजा आ गया यार, मतलब कमाल है, आप लोग इतनी सीरियस एक्टिंग करते हैं, मुझे आज पता चला कि आप कितने मैड हैं। थैंक यू सो मच सुमित एंड निधि, बहुत अच्छा लगा आपके साथ ये मैडनेस करके। इस मैडनेस को और जारी रखेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच, शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू और आपका भी धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, देखते रहिए बिंगो कॉमेडी अड्डा। इस शो में आपसे सारे सवाल टेढ़े पूछे जाएंगे। हमसे सीधा सवाल का जवाब भी टेढ़ा देते हैं, तो टेढ़े का क्या देंगे। मैं दर्जे डिस्को शूट कर रही थी और शायद मैं तभी 3 या 4 महीना प्रेग्नेंट थी। ये ऐसे होता था कि शाहरुख आता था, शर्ट उतारता था और मेरी उल्टी होती थी। हर सुबह हम 8:30 बजे मैं और मेरी बीवी अपने बेडरूम में एक ATM काउंटर खोलते हैं और हर 2-2 मिनट एक बेटी एंटर करती है, पैसा विड्रॉ करके बाहर निकल जाती है।